तो हम किसान भाई साहब को मिलाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, अपने बारे थोड़ा छोटा सा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम तो अब्दुल खालिक हुआ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये चापा टोली बिजुलिया के हम रहने वाले हैं और पोस्ट पड़ता है बिजुलिया। अच्छा, थाना रातू, जिला रांची। अच्छा, कौन कौन सा खेती किए हैं फिलहाल में? अभी हमने तो ये फूल गोभी लगाए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसान भाई इस प्रकार से फूलगोभी का खेती किए हैं। और ये जो आपके पीछे में दिख रहा है, ये कौन सा? ये एक नैनुआ है। ये एक नैनुआ है दोस्त, जिस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये नैनुआ का पौधा है। इसको लतर में ही ऐसे ही इसका पौधा होता है ना? जी जी हाँ हाँ, बताइए इसके बारे, इसको कैसे कैसे खेती करते हैं? देख सकते हैं दोस्तों, ये नैनुआ है, चलिए बताइए। ये नैनुआ को हमने मई में लगाए हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद में इसको जन्मिशन हो गया। हाँ हाँ, जन्मिशन होने के बाद ये इनको हम लोग, जन्मिशन जब हो गया तो इसको फिर अपना कुदाल, हाँ हाँ, कुदाल से मिट्टी अति कर दिए, घास पुआल को ख़त्म कर दिए। उसके बाद ये इसमें से खाद जो है, खाद वगैरह हम लोग इसमें डाले। अच्छा, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया उसके बाद ये दवा भी हम लोग इनको बीच बीच में छिड़काते रहे। 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर में छिड़काते रहे तो इसका पौधा का विकास हाँ बेहतरीन होता है। अच्छा, जब जैसे इसका पौधा, इसका तना वगैरह चलने लगता है तो ये आपका ये झाड़ी जो होता है, हाँ, तो इस झाड़ी से हम लोगों ने इसको साबर वगैरह से लगा के और इसके खंभा बना के इसको अति कर दिए ताकि इसका बीजा सही, मतलब बरसाती के समय में कहीं ना सड़े, इसीलिए अच्छा, ये झाड़ी लगाया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से झाड़ी लगाया हुआ है ताकि इसका लतर ऊपर की तरफ जाए और जो भी इसका फल फले वो नीचे ज़मीन में ना रहे। अगर ज़मीन में रहने से पानी पड़ने की वजह से इसका फल खराब होता है, इसलिए किसान भाई इस जो नैनुआ का खेती किए हैं, इसमें जो भी बीज डाले उसके बगल में जैसे उसका पौधा बड़ा होने लगा वैसा ये झाड़ी डाल दिए ताकि वो उसका जो लतर है वो इस झाड़ी के ऊपर में चला जाए और जो भी उसका फल फले वो इस प्रकार से झाड़ी में ही फले। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से ये किसान भाई आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो है वो इस प्रकार से झाड़ी के ऊपर में ही फलता है ताकि ये हवा में ही या ऊपर ही ज़मीन से ऊपर रहता है ताकि ये ख़राब होने का कगार पे नहीं होता है। इसमें कीड़ा उड़ा भी लगता है? नैनुआ में तो ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ हाँ, लेकिन इसमें वही 15 दिन महीना दिन के अंदर अंदर में दवा डाला जाता है। अच्छा, ये फूल गोभी का जो खेती किए हैं हमने तो इसमें कीड़ा का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसान भाई नैनुआ का और फूलगोभी का भी खेती किए हैं, इसलिए बीच बीच में बोल रहे हैं कि फूलगोभी का जो इसमें, अभी हम नैनुआ के बारे पूछे तो इन्होंने बताया कि नैनुआ में तो उतना नहीं होता है लेकिन फूलगोभी में ज़्यादा होता है। ये किसान भाई फूलगोभी का भी खेती किए हैं, बाद में इनसे फूलगोभी के बारे में भी जानेंगे कि उसको भी ये किस प्रकार से खेती करते हैं। अच्छा, इसको कितना कितना दिन में खाद उद देते हैं नैनुआ को? नैनुआ को वही 2 बार हमने तो अभी दिए हैं। हाँ हाँ, लगाने के बाद? हाँ, कितना दिन बाद में? वही 15-20 दिन के बाद में। अच्छा, लगाने के 15-20 दिन के बाद में दिए हैं ना? हाँ, DAP वगैरह दिए हैं। अच्छा, कब कब दिए थे? ये 15-20 दिन के बाद में दिए। अच्छा, थे 15-20 दिन के बाद, लगाने के बाद में है ना? हाँ जी। चलिए, अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसी के यही खेत के आधे हिस्से में और बगल वाले खेत में इस तरह से फूलगोभी लगाए हैं, इसलिए आइए हम ये किसान भाई से फूलगोभी के बारे में भी जानेंगे कि ये किस प्रकार से फूलगोभी का खेती किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसान भाई अभी फूलगोभी के बारे जानकारी देंगे कि ये किस प्रकार से लगाए हैं उसको। चलिए बताइए, फूलगोभी को कैसे लगाए और कौन समय में लगाए थे? फूलगोभी को हमने मई महीना में लगा दिए हैं, वही 15-17 तारीख को हमने लगाए हैं इनको। अच्छा अच्छा, ये बीजा तो खैर पहले ही मतलब किया जाता है, इसका बीजा गाछी किया जाता है। गाछी इसका किया जाता है। हाँ हाँ, और गाछी करने के बाद वो लगभग महीना दिन 25 दिन के अंदर में ये गाछी तैयार हो जाता है।
और गांछी जब तैयार होने के बाद में ये खेत भी अपना माने खेत पतवार को इसको जोत के एकदम बनाया जाता है। अच्छा, लगाने के लिए खेत को तैयार किया। हाँ, खाद वगैरह को डाल के। कौन कौन सा खाद देते हैं इसमें खेत को जुताई करने समय? इस समय हम इसको खाद में DAP दिए थे पूरा खेत में। हाँ, और कुछ पोटास भी मिला दिए थे। अच्छा अच्छा और यूरिया भी मिला दिए। ये सारा कुछ को मिला के आप खेत तैयार करने समय दिए थे? हाँ 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 हाँ। उसके बाद जब जो ही ये लग गया पौधा तो जब इसके बाद में हल्का हल्का यूरिया डाल दिए। हाँ हाँ, लगाते समय। हाँ, लगाते के समय ताकि मैंने जब पौधा बड़ा हो जाता है ना तो फिर जब फूल देने लगता है तो यूरिया को देना बंद कर देते। अच्छा अच्छा। ये उस समय DAP और पोटास वगैरह और जैविक खाद भी हमने तो इस्तेमाल किए थे। जिस समय हमने ये डाल रहे थे हाँ। उस समय जैविक खाद का भी मैंने हमने प्रयोग किया। अच्छा। काफी हमको इससे लाभ मिला, पौधा बहुत जल्दी मैंने विकास किया। अच्छा अच्छा, ये सब खाद दिए और? हाँ, विकास बहुत जल्दी किया। तो ये लगभग कौन सा महीना करीब में लगाए थे आप बोले? इसको मई में। मई में? अभी जुलाई है ना, 17। अभी तक में कितना बार इसको बिक्री कर चुके होंगे आप? इनको हमने तो लगभग बहुत अच्छा समय में निकला। हाँ, क्योंकि अभी हमें रेट भी हमको अच्छा मिल रहा है। अच्छा अच्छा। ये कुछ कुछ बाजार ऐसा होता है कि सैकड़े के हिसाब से मैंने 25 रुपये 30 रुपया एक पीस, एक पीस एक का पीस जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो को आप लोग भी देख रहे हैं तो ये किसान भाई जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोग भी फूलगोभी का खेती कर सकते हैं अगला सीजन आने में। अभी तो जब ये खेती लग चुका है, जुलाई अगस्त का महीना है ये, और इस समय में ये बिक्री होना शुरू हो गया है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग अगले सीजन में कर सकते हैं और अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। ये किसान भाई जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से। हाँ चलिए बताइए, इसके बारे रोग के बारे में बता रहे थे आप, क्या क्या रोग लगता है इसमें? रोग इसमें ना एक ताना छेदक बारी कीड़ा होता है। हाँ, वो कीड़ा मैंने अगर इसको अगर जब पौधा लग जाता है तो कीड़ा आकर्षित उसमें ज्यादा करता है। अच्छा अच्छा। खाद वगैरह भी मिलता है ना तो उसको मैंने कहा क्या मैंने है कि कीड़ा ज्यादा लगने लगता है। लेकिन आप तो इतना अच्छा से देखभाल किए हैं कि इसमें कभी कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है पौधा में कीड़ा वगैरह सब, कहीं कुछ नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसान भाई कितना अच्छा से अपना खेती को किए हुए हैं, कहीं हमको ऐसा पौधा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि हम आप सबको दिखा सके कि फल में या ये पौधा में कहीं कीड़ा लगा हुआ है। सभी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, देख सकते हैं जहाँ कहीं भी देख रहे हैं हमको कहीं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बताइए, उसके लिए क्या दवा देते हैं आप? इसको हमने एब्रो नाम करके एक दवा है। हाँ, काफी मतलब अच्छा दवा माना जाता है। छिड़काव का दवा है वो? हाँ, छिड़काव का दवा है। हाँ हाँ। और उसमें कुछ घुलनशील पाउडर एक प्रकार का है, चैंपियन है। हाँ हाँ। और एक साफ करके एक पॉकेट में आता है, उसको मिला के ये दिया जाता है। अच्छा। ताकि मोहक से भी कोई पपला वगैरह ना आवे, इसलिए उस पाउडर वगैरह को मिला के 15 लीटर पानी में लगभग 25-30 ml दिया जाता है। अच्छा। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो किसान भाई बताए अभी दवा का नाम, इसका हम कोई प्रचार या कोई उसका बारे में आपको ये नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो किसान भाई लगाए उसी चीज को पूछ रहे हैं और वो जो बताए उस प्रकार से। अगर आप लोग भी इस प्रकार का खेती करना चाहते हैं तो जो किसान भाई बताए उस दवा का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसान भाई किस प्रकार से अपना फूलगोभी का खेती किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो भी किसान भाई के द्वारा जानकारी दी जाती है वो आपको समय समय पे मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।